हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फ़ोन पे बिजनेस केवाईसी कैसे कंप्लीट करें। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपका फ़ोन पे बिजनेस ऐप जो है वो केवाईसी अगर नहीं किया हुआ है तो पेमेंट जो है वो तुरंत सेटलमेंट हो जाता है, जिसके वजह से क्या है आपके बैंक अकाउंट का पासबुक जो है वो ज़्यादा फुल हो जाता है। इसके लिए आप केवाईसी कर लेंगे तो आपका जो पूरा पेमेंट एक दिन में जो रिसीव होता है तो वो अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में एक ही जगह पे पूरा सेटलमेंट कर दिया जाएगा। इसके बारे में ही हम पूरा डिटेल बताएंगे। बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए सबसे पहले आप फ़ोन पे ओपन करेंगे। फ़ोन पे ओपन करने के बाद आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ लेफ्ट साइड में ऊपर में इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं KYC वेरीफिकेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब इसे जो है कंप्लीट कैसे करेंगे, कंप्लीट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स के तौर पर चूज़ कर लेंगे कि आप कार्ड नंबर या GST नंबर डालना चाहते हैं वो चूज़ करें। हम पैन कार्ड डालना चाहते हैं पैन कार्ड चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे आप अपना जो आपका पैन कार्ड नंबर है वो इंटर कर देंगे और यहाँ आप अपना जितना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे जिसमें आप अमाउंट जो है वो सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर यहाँ डाल देंगे और सेम अकाउंट नंबर एक बार दोबारा यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद आप अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ डालेंगे और यहाँ फिर आप सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट आप चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आप यहाँ फिर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। हमारा बैंक अकाउंट वेरीफिकेशन हो रहा है, वेरीफाइंग अकाउंट डिटेल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो KYC पेंडिंग था वो कंप्लीट हो गया है और ये जो है आपके अकाउंट नंबर को वेरीफाई करने के लिए आपके बैंक अकाउंट में एक बार ये 1 रुपये भेजेंगे जो कैशबैक के रूप में आपको दिया जाएगा और उसके द्वारा आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लिया जाएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये जो है कंप्लीट हो चुका है और आप यहाँ देख सकते हैं और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें फ़ोनपे की तरफ से एक मैसेज भी आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर पैन नंबर इज़ वेरीफाइड विथ फ़ोन नंबर और लिंक अकाउंट। अब जो है हमारा बैंक अकाउंट नंबर है और पैन कार्ड नंबर है वो दोनों वेरीफाई कर लिया गया है और दोनों जो है वो फ़ोनपे से लिंक हो गया है। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।